ये सूरत हाल आप देख रहे हैं जी, अगर ये बन जाए तो कितने लोग अकोमोडेट? अम्मा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैनू मेरे कार्ड कोई नहीं, कार्ड बगैर मैं वाला ना तो कमरा ला दे बेच मिते मैं चिट्ठी रेडी ना समझी हाँ आ सारा पता है गया जेबा मेरे कट लें देना पूरा तंग कर दी है पूरा नहीं बांध दें दे उत्ते ये ऑपरेशनल होता तो आप जैसा सीनियर साफी इनको अंदर लेके जाता और उनको कहता है कि इनको लुक आफ्टर करें। बेटी फास्ट शबासा मैकेनिज्म ही ऐसा बनाया जाना है कि लोग यहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया जाना है, लेकिन सितम जरीफी का ये आलम है कि कौन लोग यहाँ पर आके आपको बहुत सारी दास्तानें मिलवाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जी, लोग जो मेन रोड पे खड़े होते थे यहाँ से, मैं जरा अपने व्यूअर्स को समझाना चाहता हूँ। जी जी बताएं बताएं। ये जो मेरे घर वाले हैं ना, मुझे कहते थे भाई आप भीख मांगेंगे, मैं इंशाल्लाह भीख नहीं मांगूंगा। आपके घर वाले कहते थे भीख मांगो? मेरे घर वाले कहते थे भाई आप भीख मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मैं इंशाल्लाह अल्लाह को जान देनी है, मैं इंशाल्लाह भीख नहीं मांगूंगा। ठीक है जी, मैं इंशाल्लाह अपनी हिम्मत का सामना खुद कर रहा हूं। मैं अभी आपको नंबर देता हूं, आप मुल्तान रब्ता करें। मैं इस विसाखियों के सारे हाईएस पे कैलेंडरी भी करता था। अभी जो है ना कुछ दिन पहले मुझे गाड़ी नहीं मिली, मैं इधर वजीर अला पंजाब के पास आया हूँ। मैं उनके पास गया हूँ भाई, मैं ऐसे ऐसे काम करूँ, मुझे मैं पहले हाईएस पे कैलेंडरी करके मैं 200-400 रुपया लेके मैं अपनी गाड़ी के कुछ मैं घर ले मेरे को तनख्वाह मांग दे। क्या हुआ अमर, रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? रोनिया आज बच्चे मेरे को आंदे ना मिलो रावन लोड ही कोई ना आई दा यार आंदा ना अके मैं घर पा अरे कमाल न कमाईने आ मैं क्यों धक्का इतना लेंदे यार मानु ना अम्मा ले आप और देख लो अम्मा रो रही है। अम्मा को देख के हमें भी दुख हो रहा है क्योंकि यह तब्दीली सरकार कहती थी हम गरीब का सामना करेंगे, क्या गरीब का यह सामना करें जब वजीर आला के पास जाते हमें कुछ भी नहीं मिलता, हम कहाँ जाए? मेरा दिल आज भी करे ऐसे करे भी मैं खुद कुछ ही करूँ। ये ऑपरेशनल होता तो हालात बदल चुके होते, हालात शायद काफी हद तक बदल चुके होते, लेकिन कम अज कम यहाँ पनाह मिल जाती, इनको खाना मिल जाता। ये जी तामीर का बहुत सारा हिस्सा आपको अंदर जाके दिखाते भी हैं, लेकिन 2 महीना जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बता दिया गया है, शेख जैन साहब ने अभी अपडेट किया सारी स्टोरी पे कि 2 माह लग जाएंगे इसे बनते बनते, अप्रैल के एंड तक शायद ये जाकर या मई के स्टार्ट में फर्स्ट वीक में शायद ये जाकर ऑपरेशनल हो। लेकिन पनाह का अस्सलाम वालेकुम, क्या जी आलू क्या हुआ आलू को? आलू बड़े सस्ते हुए पहले बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप, कौन है आलुओं का रेट बताएं आप, कितने दे तड़ी मिल रहे हैं? 200 का तोड़ा, 250 का तोड़ा। वो तो सारे किसानों ने उन्होंने रल के आग भी लाई थी कुछ दिन पहले, याद है ना तानू? तुसी सो होना चाहिए नहीं, ऐसी नहीं होना चाहिए, अभी आए गांव। सही बात है, आलू की तो किसान को जो जिस तरह वो बोता है, जिस तरीके से वो उगाता है, उसको तो उसकी कीमत भी नहीं मिलती, तो आई भी नहीं मिलती आलू की। ये ठीक बात है। ये आप देख सकते हैं, ये शेल्टर होम, ये सारी इमारत आप इसको देख सकते हैं, साथ साथ इसकी दीवार के साथ साथ पनाहगाह के बाहर भी लोग पनाह लिए हुए हैं, और इस पनाहगाह के बाहर जब लोग बैठते हैं तो उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी सेहत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमर। तो पनाहगाह की दीवार के साथ आप टेक लगा के बड़ी गहरी सोचों में महव हैं, मैं पूछना चाहूँगा, शेख साहब मेरे साथ आइए इधर। ये आप शेख जैन साहब को जानते हैं? नहीं। ये आपकी आवाज़ बन के तो लोगों को आपके दुख तक पहुंचाते हैं, ठीक है? आप बताइए आपके दिल में जो भी बात है आप डिस्कस कीजिए। मजदूरी के लिए जाते हैं, नहीं लगती तो यहाँ बैठ के चले जाते हैं। फिर किस शहर से हैं आप? मैं गुजरात। तो इधर लाहौर कब से आ रहे हैं आप? मैं तकरीबन 4-5 मास। वो तो दिहाड़ी दूड़ी लग जाती है कि कोई नहीं? हाँ बस लग जाती है, कभी लग जाती है कभी नहीं लगती। कहाँ सोते हैं जब आप मजदूरी कर चुके होते हैं? यहाँ पे अपने रहायश हैं, मतलब कमरा लिया हुआ। कमरा लिया, कितने लोग रहते हैं कमरे में? 4 लोग एक कमरे में। किधर? इधर पास ही कहीं रहते हैं? हाँ करीब ही है, क्या बिलालगंज में। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे पढ़ते हैं जी। किस किस क्लास में? एक 4th क्लास में और एक 2री क्लास में। आप जिंदगी से मुतमईन हैं, खुश हैं, या गुजारा गुजरा ही हो रहा है? गुजारा गुजरा ही हो रहा है, मुतमईन कोई नहीं, बिल्कुल नहीं है। सख्त है जिंदगी? बहुत सख्त है। खर्चे खुर्चे नहीं पूरे होते? अच्छे नहीं पूरे होते। अब एक जगह काम करता था, वहाँ से बीमार हो गया तो काम छूट गया, फिर तो दोबारा वहाँ पे काम नहीं मिला, तो फिर अड्डे से आ रहे हैं बस, कोई ना कोई मिल जाएगा कहीं पर, मतलब पूरे लाहौर से यहाँ पे काम के लिए लोग आते हैं ना लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं फिट हो जाता है, तो ट्राई जारी है।
ये मंसूबा जो बन रहा है जिसकी दीवार के साथ आप टेक लगा के बैठे हैं, ये मेरा ख्याल 2 महीने और डिले हो गया, तो इससे बहुत सारे लोग जो सड़कों पर रुल रहे थे वो 2 महीने और सड़कों पर रुलेंगे। बिल्कुल यकीनी बात है। इधर कैंप लगाया हुआ उन्होंने, मतलब इसकी जब तक ये तैयार नहीं होता, कैंप लगा हुआ है बरसात पार्क में, तो वहाँ पे लोग जाते हैं सोते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आईडी कार्ड नहीं है, तो कैंप अकोमोडेट नहीं फिर करता। जब ये मैकेनिज्म बनेगा तो हुकूमत फिर बैठेगी, इनके आईडी कार्ड बनवाने के लिए भी एक मुहिम शुरू होगी, सारा एक मैकेनिज्म होगा, सारे महकमे ऑन बोर्ड बैठेंगे। वो तो टेम्परेरी एक टेम्परेरी है, लेकिन वहाँ पे सारे फायदा नहीं ले रहे, क्योंकि जिन पास शनाख्ती कार्ड नहीं है वो वहाँ पर। आप कुछ पूछना चाहेंगे जिनसे? नहीं जी, अब तो इनके लिए दुआ करना चाहेंगे कि अल्लाह इनके लिए बेहतरी करे, मजीद बेहतरी करे, हर किसी के लिए बेहतरी करे। फाद से बाद ये जो प्रोजेक्ट हैं ये मुफाद आमा के प्रोजेक्ट हैं, अवाम के मुफाद के लिए, ताकि अवाम की बेहतरी हो, अवाम की लाइफ बेहतर हो। यहाँ बड़ी दास्तानें हैं, जो भी लोग इधर फुटपाथ पे बैठे हैं इनको आप सामने के चाचा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? ये अब्दुल गफार। अब्दुल गफार, कहाँ से आए आप? मुल्तान से। इधर क्या करते हैं लाहौर में? मजदूरी के लिए। तो कब से लाहौर आ रहे हैं आप? 15 दिन से हो गए। तो कहाँ सोते हैं? इमरान खान के कैंप में सोता हूँ। उधर चले जाते हैं? हाँ जी। ठीक अकोमोडेट है? हाँ जी। सही खाना शाना दे रहे हैं? बिल्कुल अच्छे तरीके, दो टाइम का दे रहे हैं, सुबह 7 बजे शाम को 7। क्या देते हैं नाश्ते में? नाश्ते में सुबह चने होते हैं, शाम को जो चीज है सब्जी होती है, गोश्त, दाल। चने में अंडा उंडा भी डालते हैं कभी? सादा चने होते हैं। सादा चने? हाँ जी। नान के साथ? हाँ जी। नान ताजा? नान ताजा, तिलों वाले? तिलों वाले। अच्छा, 7 बजे? हाँ। नान ताजे नहीं होते, नान जो है ना, नान सूखे होते हैं, नान ताजे नहीं होते। ये जो चावल ठंडे हो जाते हैं सर्दी की वजह से, सूखे होते हैं, और ये जो चावल आते हैं ना, चावल उकले होते हैं, ये चावल भी सही नहीं होते। इससे अच्छे तो ये जो चावल मिल रहे हैं ना दाता साहब से भी सही है। ये आता ना नाश्ता, ये आते आते ठंडा हो जाता है, जब लेके आते हैं ये तो आता थे नाश्ता ठंडा हो जाता है, इसलिए ये वो आकर जाते हैं नान आते वक्त। वो सुबह 7 बजे 6 बजे पकाते हैं, पता नहीं क्या। कितने बजे चले जाते हैं कैंप में सोने के लिए? हमें 5 बजे चले जाते हैं, 5 बजे से लेके ना 7 बजे थोड़ी, 8 बजे थोड़ी एंट्री होती है। बिस्तर तो अच्छे लगे उधर? हाँ जी, अंदर ही, ये स्कूल के अंदर उन्होंने कैंप लगाया। आपको थोड़ा फायदा हुआ उधर जाने? हाँ, स्कूल के अंदर लगाया हुआ कैंप के अंदर, स्कूल के अंदर। पहले यहाँ लगा था पार्क में कैंप, वहाँ से उठा के स्कूल में ले गए बारिश की वजह से करके, फिर वहाँ ज्यादा थी बारिशों का मौसम है, काफी देर से बारिश। जो कैंप है ना ये खत्म हो गया है, अभी जो हम इंतजार में हैं ये कैंप बनेगा तो फिर हमें रिहाइश मिलेगी ना। ये झूठ बोल रहे हैं भाई, इधर स्कूल में चले जाते हैं, कौन से स्कूल में जाते हैं? ये बड़े स्कूल के बीच में ना, ये अभी तभी सो रहे हैं, मैं रोजाना वहाँ सोता हूँ, मैं रोजाना वहाँ सोता हूँ, जगह ना हुआ मैं जुर्माना डबल दूंगा। अभी से इनके साथ लेकर इनको साथ लेके जाऊंगा मैं, और अभी वहीं मौजूद होगा, बिस्तर लगे हुए हैं। प्लाट प्लाट में पहले जाते थे, पहले प्लाट वो सही कह रहे भाई, वहीं सोता हूँ। कौन से स्कूल में? बड़ा स्कूल में 7 बजे लेडी स्कूल है, इसके बीच में कैंप अभी तक लगे पड़े हैं, जाके देखो कैंप में। ये पहले तो इधर पार्क में कैंप तंबू बने हुए थे ना, वो अभी खत्म हो गए, वो स्कूल में ले गए। स्कूल का हमें नहीं पता, स्कूल में ले गए, स्कूल का हमें नहीं पता। डेली वहाँ सोता हूँ मैं, खाना डेली वहाँ खाता हूँ, डेली नाश्ता भी लेके आता हूँ, डेली खाता भी हूँ, लेके भी आता हूँ। अभी ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है जहाँ जिसकी दीवार के साथ आप खड़े हैं, ये परमानेंट आपके लिए बंदोबस्त हो रहा है? ये सिर्फ उनके लिए बन रहा है सर, जो से मेहमान आते हैं ना ज्यादा लेडीज के साथ, तो उनके साथ ये हो रहा है 2 दिन और 3 दिन के बाद, उसके बाद बाहर निकाल देंगे। सिर्फ 2 दिन 3 दिन वो कैंप वाले 2 दिन के बाद बाहर निकाल देते हैं? नहीं, इन्होंने ये जो बन रहा है ना, ये इन्होंने कहा ये 3 दिन और 2 दिन के बाद वो बंदर रह सकता, जो दूर से मेहमान आएगा उनके लिए 2 दिन 3 दिन बस। इसमें रहने के लिए आपको दूर से आना पड़ेगा? नहीं नहीं, वो मेहमान जो बाहर से आएंगे ना उनके लिए ये 2 दिन या 3 दिन बस। शेख साहब क्या? एक्चुअली फाज से बासब ये जो पनाह गए हैं इनके लिए अभी मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है, जो अदारों ने नहीं बनाया अभी तक। फिलवक्त प्लान तो यही है कि मैक्सिमम जो यहाँ पे रिहाइश होगी इस पनाह गाह में, उसके लिए 2 दिन रखे जाएंगे, 2 दिन के बाद मजीद उसको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद अभी मजीद मैकेनिज्म बनने की ज़रूरत है कि क्या क्या इसमें इस्लाहात लाई जाएंगी। फिल वक्त तक ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं बनाया गया कि इसमें रहने वाले के लिए क्या क्राइटेरिया। ये दो दिन रखेंगे, जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं होगी वो कहाँ जाएगा? फुटपाथ पे गुजारेगा? जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं हो, तो जिनके पास कुछ बैठने के लिए जगह नहीं हो, जिनके पास खाने के लिए जगह नहीं हो, वो फुटपाथ पे गुजारेगा? हमें बताओ तो सही, फुटपाथ पे गुजारेंगे? पुलिस नहीं बैठने देती, ये भी बताओ। हाँ। फुटपाथ पे भी नहीं रहने देते, फुटपाथ पे भी नहीं उठाते हैं, पुलिस वाले बोलते हैं चलो खड़ा भी नहीं, गरीब को हमें देते कि चलता रहो, चल आगे चल। यही बात, गरीब को कहीं खड़ा नहीं होने देते, फुटपाथ पे नहीं बैठने देते, लेटने देते, या सोई को पुलिस डंडा मारती है। यहाँ पे जिम्मेदार की वैल्यू है, गरीब की कोई वैल्यू नहीं है।
जितने ये लोग खड़े हैं ना, सारे मजदूर लोग खड़े हैं, आज इनसे पूछो कोई झाड़ी लगा के खड़ा है, पूछो ये देखो कितने लोग खड़े, कोई मिली जाओ। बेरोजगारी बहुत है, काम नहीं है, बहुत बेरोजगारी, एक हफ्ता हो गया बारिश की वजह करके काम बंद हुआ पड़ा, ये इसी वजह से आते ना जो काम नहीं मिल रहा, बेरोजगारी खत्म है, कहीं खड़ा नहीं, बैठने नहीं देता कोई, ये तो बैठो ना तो खिलाओ ना, चलो चलो चलो। हाँ जी, तब्दीली सरकार कह रही है जी हम 1 करोड़ सेहत कार्ड दे रहे हैं, हमें दिखाएं तो सही कौन सा 1 करोड़ सेहत कार्ड दे रहे हैं। वो कहते हैं भाई अभी ये जो सऊदी का शहजादा आया था उसने कितनी इनको मदद दी है। प्राइम मिनिस्टर गए हैं सेहत कार्ड देने, राजनपुर गए, राजनपुर तो गए हैं, तो जब मुल्तान वाले कहाँ जाएंगे, वो तो उनका वजीर आला का खुद अपना इलाका है, उनको देंगे जो ये भाई इतने खिला ना, ये थोड़ी गल करे मुल्तान नु की करना, जब वजीर आला पंजाब है राजनपुर का। जनाबे अली गुजारिश ये है कि ये गरीबों के लिए तैयार हुआ है, ये तो गरीबों को अंदर भी नहीं जाने देते। इमरान खान से जवाब इन बातों का, वो बात वही है कि आवाम इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल होता देखना चाह रही है, लेकिन इदारे हैं जो इसको मुसलसल इल्तवा का शिकार करते चले आ रहे हैं। अगर आज ये ऑपरेशनल होता तो इस जो बाउंड्री वाल है इसके साथ ये इतने लोग लाचार इस तरह बैठे होते। 20 फरवरी की अगर आपने डेडलाइन दी है तो अल्टीमेटली आपने उसको ऑपरेशनल करना है। गरीबों का बेड़ा घर को ले जा रहे, ये जब से तब्दीली सरकार है ना गरीबों का बेड़ा घर को ले जा रहे। अब ये देख ले कितने लोग खड़े हैं, सारे बेरोजगार खड़े, हमारे कोई रोजगार नहीं है, हमें कौन इंसाफ लेके दे। कोई तो है कोई दिहाड़ी कमा के भी आया इधर के, कोई ना कमाया। मैंने 300 रुपया कमाया सर, सुबह मैंने मजदा किताबों का उतारा और 300 रुपया कमाया मैंने सर, हकीकत बात है। 300 रुपए में क्या बचाएगा, चलो इससे ये भी पूछ लो हमें क्या बजट है, क्या करेंगे सर। कुछ भी नहीं है, रोटी खा लिया, चाय पी लिया, बस बराबर हो गया, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। आपने कुछ कमाया जी आज? 3 दिन हो गए वेले हैं जी, कुछ भी नहीं कमाया। तीन दिन का कौन सी, कुछ भी नहीं कमाया, काम आ नहीं रहा है, अटे में फारिक है। आपने जी कुछ कमाया? कुछ भी नहीं, सुबह से खड़े हैं। हमें ये तो बताओ ना भाई, ये जो सारे बेरोजगार खड़े आप कहाँ जाए, अगर हम ये कह दें भाई इधर हम हड़ताल करना चाहते हैं तो फिर आप हमारा साथ दोगे? हम दिन बैठ बैठ कर चले जाते हैं। क्या क्या वो कहते हैं हड़ताल करने, मजदूरों की यूनियन है यार बहुत सारी, कहाँ है, कहीं भी नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूँ जो जो नसीब फुटपाथ पे बैठे मजदूरों की कोई यूनियन नहीं, यूनियन ये ठीक है, कोई यूनियन ठीक है, ये ठीक है। अगर मैं पहले नसीम सादिक जो हमारे मुल्तान में आया था, हम उनको वेलकम कहते हैं, हम उनको सलूट भी करते हैं। अब मैं उनको ढूंढने के लिए मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह नसीम सादिक को मिलने की कोशिश फुल कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छा बंदा था और जब हमारे मुल्तान में आया था ना, उसने सारे बड़े बड़े बंदों की, ये सारे मजदूर फिर कहाँ सोते हैं जी, आप लोग क्या करते हैं? फुटबारी पे आप कहाँ सोते हैं? फुटबाथ पे सोते हैं। फुटबाथ पे सोते हैं आप कहाँ सोते हैं? फुटबाथ पे सोते हैं आप कहाँ सर सोते हैं? आप कहाँ सोते हैं सर? फुटबाथ पर। आप कहाँ सोते हैं जी चाचा? फुटबाथ में। आप कहाँ सोते हैं? आज आया मैं। कहाँ से आए? उकाड़े से। खैरियत से आए? काम करने के लिए। और जगह? हाँ जी, आप कहाँ सोते हैं? मैं उर्दू बाजार। जदर दी हुकूमत है, ये कोई है काम नहीं दिया। मुझे शॉर्ट ब्रेक लेना है जी, बहुत छोटा शॉर्ट ब्रेक है जी, मेरे साथ रहे आप सारे, शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगी।